बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटरटेक्चुअलिटी इन अ एडवर्टीजमेंट। और ये अब जो हम बात कर रहे हैं इंटरपोलेशन की, बेसिकली इट्स वन ऑफ द मोड ऑफ एड्रेस, ठीक है, कि हम किस तरह से ऑडियंस को अपनी तरफ रागिब करते हैं, किस तरीके से हम ऑडियंस को लाइक वी कॉल देम आउट। तो द होल मोड ऑफ एड्रेस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। मैं आपको इसका पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, इंटरटेक्चुअलिटी में हमने टेक्सचुअलिटी को कॉन्टेक्स्ट में ऐड किया था, और किसी मशहूर या किसी सेलिब्रिटी या किसी भी चीज़ का ऐसा रेफरेंस दिया था कि ऑडियंस उससे अट्रैक्ट हो, एंड दे यूज़ द प्रोडक्ट बाय नोइंग कंज्यूमर्स, ठीक है। जबकि इंटरपोलेशन में हम बात करते हैं एड्रेस की, कि आइदर वी आर एड्रेसिंग द पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम देखें तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये दिया था अल्थुज़र ने, ठीक है, फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर था अल्थुज़र, इसने दिया था इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट। और इसने ये कहा था कि इंटरपोलेशन बेसिकली डायरेक्ट एड्रेस है ऑडियंस की तरफ, कि वो हमारी प्रोडक्ट को या एड मीडिया की जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करें। अब मैं आपको थोड़े से चंक्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे इंटरपोलेशन वर्क करती है। लाइक आप एक ऐड देख रहे हैं और उसके अंदर आपको डायरेक्ट बुलाया जा रहा है कि हे यू, या आप फौरन उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा, ये हमारे बारे में बात हो रही है, दे आर टॉकिंग टू अस, दे आर गिविंग अस अ काइंड ऑफ इन्विटेशन। तो उस चीज़ से अट्रैक्ट होना, एड्रेस्ड होना, उस चीज़ को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। अब आप देखें कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम साइंस की बात करें तो वो हमें मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के काम आते हैं, कि हम साइंस को देखकर मीनिंग्स बनाते हैं। लेकिन जो मीडिया टेक्स्ट या मीडिया साइंस होते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी बंदे को एड्रेस कर रहे होते हैं, आइदर वो इनडायरेक्ट एड्रेस करें या आइदर वो डायरेक्ट एड्रेस करें, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि लेट अस ट्रांसफॉर्म यू, किसी ऐड के अंदर मैं लिख लूँ, तो फौरन एक सेंस ऑफ इन्विटेशन क्रिएट होता है कि लेट अस ट्रांसफॉर्म यू, कि जो कंज्यूमर है उसको एड्रेस किया जा रहा है, ऑडियंस को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंटैग्मैटिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, लाइक हम कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उसका आंसर रेज कर सकते हैं, हम कोई मोंटाज दे सकते हैं, ठीक है, हम कोई नैरेटिव दे सकते हैं। इन द कमिंग वीडियोज आई विल डिस्क्राइब द मोंटाज, आर्ग्यूमेंट और नैरेटिव। लेकिन हम इन सब को किसी ना किसी पार्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई लाइक सर्वे रेज कर सकते हैं, लेकिन हम ये उसके अंदर अंदर करेंगे जहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन अपना मीडिया का या ऐड का डालना होगा, ठीक है। लाइक जितने भी ये सिंटैग्मैटिक स्ट्रक्चर होंगे जिसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है, नरेशन हो सकती है, ये सारे ही सारे इन्फ्लुएंस होंगे कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन से, जो कि हम कम्युनिकेटिव मीडिया में कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इस तरीके से ऑडियंस जो होती है उसको हमें एक डिफाइंड ऑडियंस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यूथ के लिए बात करनी है तो मैं यूथ के लिए एक स्पेसिफिक स्लोगन या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन या एक स्पेसिफिक डायलॉग का यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर मैंने ओल्ड एज से बात करनी है, द पीपल हु लाइक अबव 50 की मैं अगर बात करूँ या अबव 60 की मैं बात करूँ, उनको बताने का या उनको क्वेश्चन करने का, उनको एड्रेस करने का मेरा तरीक़ाकार अलग होगा। इसी तरीके से लाइक अगर आजकल आप देखें कि जो यूथ है वो मीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा एक मतलब अट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ एड्स में मीम्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मीम्स जब डाल देते हैं तो जो जिन जिन यूथ को उसके मुताबिक का पता होता है कि ये किस बारे में बात हो रही है, तो वो फिर उसी तरीके से उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो इंटरपोलेशन इज़ बेसिकली द डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑडियंस, कि हम उसमें टेक्स्ट भी ऐड करते हैं, कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, बट हम उसमें ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट होती है ना, जिसकी बेसिस पर वो ऐड बनाया जाता है, उस पर जो इमेज लगाई जाती है, वो इस तरीके की इमेज लगाई जाती है कि हमारी लाइक हमारी आप क्या समझ लें, क्या चॉइस है, हम किस तरीके के व्यूअर हैं, हम क्या चीज़ें देखना पसंद करते हैं, वो उसी हवाले से उसको ऐड को डिज़ाइन करते हैं। तो अब अगर आप बुक में देखेंगे एंड्रयू टॉलसन की, तो उसमें कवर गर्ल की और उसकी सारा डेविस की एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो उससे हटके अगर हम बात करें तो इंटरपोलेशन जो है ना, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई, इट्स बेटर टू बी मेंबर, अब इट्स बेटर टू बी अ मेंबर, इसमें डायरेक्ट एड्रेस है किसको, ऑडियंस को, जो भी पढ़ेगा वही समझेगा कि ये मुझे इन्वाइट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। और पिक्चर देखें, एक यूथ की पिक्चर बनाई गई है जो ज़्यादातर यूथ पे टारगेट कर रही है। सो बेसिकली वर्जन मोबाइल की जो एडवर्टीजमेंट है वो किसको टारगेट कर रही है, यूथ को टारगेट कर रही है बाय द
इंटरपोलेशन, सही है। और मैंने आपको बताया कि ये किसने दिया था हमें, फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर था लुइस अल्थ्यूज़र ने। तो अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली मोड ऑफ एड्रेस होता है ना, वो हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है सिंटेगमेटिक स्ट्रक्चर का। सिंटेगमेटिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि उस सेंटेंस के अंदर क्या 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 स्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, आदर कौन सा मीनिंग है जो हम उससे गेन कर रहे हैं। अब देखें कि जो एक रीडर है उसका साइकोलॉजिकल माइंड क्या है, उसका जो डिफरेंट प्रोसेसेस उसके माइंड में चल रहे हैं किस तरीके के हैं, कि हम कौन से ऐसा ऐड या कौन सी ऐसी पिक्चर, कौन से ऐसा डायलॉग स्लोगन यूज़ करें कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, रीजंस यूज़ करते हैं, कि कुछ लाइक टेक्स्ट होते हैं जो बहुत डोमिनेंट होते हैं, मतलब काफ़ी ऐसी पिक्चर्स आप देखेंगे कि आफ्टर बिफोर की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कि या फ़र्ज़ कर लें आप हाँ, फॉर एग्जांपल अगर एक सेलिब्रिटी है उसकी एक कॉमन बिल्कुल एक्टर होने से पहले की एक पिक्चर दिखा दी जाए आफ्टर में, बिफोर में और आफ्टर में उसकी प्रॉपर लाइक पॉपुलैरिटी होने के बाद उसकी एक पिक्चर दिखाई जाए और नीचे लिख दिया जाए इट कुड बी यू, कि ये आप भी हो सकते हैं, कि लाइक एक कॉमन पर्सन से उठ के आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। सो दिस इज इंटरपोलेशन, कि आप एक ऑडियंस को बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्ट करो बाय द मींस ऑफ देयर यू कैन से द रीजंस, देयर थिंकिंग, देयर इंटरप्रिटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। कि आप अपने देखते हो कि किस तरीके के व्यूअर के सामने आप अपना एड पेश कर रहे हो, क्या सोशल क्लास है, क्या उनका थिंकिंग है, वो क्या साइकोलॉजिकल उनके प्रोसेसेस हैं, उस मुताबिक आप अपनी इंटरप्रिटेशन को डिज़ाइन कर दो। तो अब होता क्या है कि बेसिकल इंटरप्रिटेशन में हम एक तो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अब क्या मतलब, कि मैं कोई क्वेश्चन रेज करूँ, क्लेम रेज करूँ उसका, फिर काउंटर क्लेम करूँ, फिर क्लेम करूँ, फिर काउंटर क्लेम करूँ, तो मैं अपनी ही प्रोडक्ट को पहले उस पर क्वेश्चन रेज करूँ और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं उसी को आंसर करूँ कि अगर ये ऐसा है ना, नहीं तो ये फिर ऐसा होगा। एट द सेम टाइम उसी दौरान मैं नरेशन भी यूज़ कर सकती हूँ, कि नरेशन में हम बताते हैं कोई स्टोरी टाइप कोई चीज़ लिख दें कि इस तरीके से स्टार्ट हुआ था और फिर इस तरीके से एंड हुआ, या इन इन लोगों ने ये इस्तेमाल किया, लाइक अ काइंड ऑफ नरेशन, ठीक है। मतलब डिफरेंट तरह के कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस के अंदर मैंने अपने व्यूअर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो एक एक एड्रेस, मोड ऑफ एड्रेस चूज़ करना है ना, वो इंटरपोलेशन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा टेक्स्ट जो कि हम एक खास व्यूअर के सामने, इंटेंडेड व्यूअर के सामने पेश करें द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में, उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। अब आप देखें कि मतलब एक ऐड है ना, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन भी फॉरेन हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन किस तरीके की, कि इफ़ आई एम लाइक एक फॉरेन से आइडेंटिफाई कर लेना कि येस दे आर कॉलिंग अस, ठीक है। या फिर आप देखें कुछ ऐसे होते हैं, योर कंट्री नीड्स यू, या दिस इज़ मेड फॉर यू, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं, ऐसे यू आप ये कह लें कि ऐसे पंच लाइंस होती हैं कि आप फौरन उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यू आर एड्रेस्ड इन द लाइन, ठीक है। तो अब अल्थ्यूज़र ने क्या बोला कि ये इंटरपोलेशन बेसिकली इस तरीके के, कि आप इसको ना एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसने दो एग्जाम्पल्स दी कि एक तो आप मतलब लेस डायरेक्ट वे में किसी को कर रहे हो, और एक आप प्रॉपर डायरेक्ट वे में किसी को एड्रेस कर रहे हो। तो देर आर टू टाइप्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हे यू देयर, ठीक है, लाइक डायरेक्ट पॉइंट आउट करना किसी को, या कोई ऐसी पिक्चर लगा दी जाए जो कि आपकी तरफ फिंगर कर रहा हो, सो इट मीन्स डेट आपको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू यूज़ द सेंटेंस योर कंट्री नीड्स यू, और उसमें कोई आर्मी रिक्रूटमेंट का या फिर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई ऐसी जॉब ऑफर आ जाए कुछ भी, तो यू सडनली यू थिंक्स ऑफ देयर के माई कंट्री नीड्स मी ना। सो एक इंटरपोलेशन की एग्जाम्पल है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंटरपोलेशन की, तो इंटरपोलेशन हमारे पास एक ऐसा मोड ऑफ एड्रेस है जिसमें हमें ऑडियंस को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, ठीक है। इंटरपोलेशन मीन्स द डायरेक्ट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि कुछ जो यूथ है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं, हम यंग कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी मीम्स या कुछ ऐसी वीडियोस या लेटेस्ट पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं, उनके साथ ऐसे एड्स बनाते हैं कि वो फौरन उसे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। या फिर हम कुछ ऐसी टर्म्स बना लेते हैं जो कि हम फौरन किसी को अट्रैक्ट कर लेते, ठीक है। अक्सर एड्स के अंदर इफ़ यू नो कि यूज़ किया जा रहा होता है कुछ स्लैंग्स वगैरह यूज किए जा रहे होते हैं। लेट्स सर्च द एग्जांपल्स ऑफ इंटरपोलेशन। बेसिकली
किसी भी ऐड के अंदर आपको डायरेक्ट एड्रेस किया जाना इस इंटरपोलेशन. मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कुछ दिखा देती हूँ. लाइक व्हाट कुड आई डिफाइन यू, लाइक एक तो मैंने ये आपको दिखाया ना, इंटरपोलेशन मींस कि इट्स बेटर टू बी ए मेंबर. इसमें भी आपको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है. और अ फोन, ये देखें, अ फोन डैट गेट्स यू, ठीक है. आप फोन लेते हैं ना, फोन तो आपको नहीं लेता, लेकिन ये एच टी सी का एक ऐसा ऐड है जो डायरेक्ट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है कि देर इज अ फोन हु इज गेटिंग यू, ठीक है. अब ये देखें, ये एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा गया कोई बंदा फिंगर आपकी तरफ पॉइंट आउट करके बोले कि आई वॉन्ट यू फॉर द यू एस आर्मी, या आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंपेन, या आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. तो ये एक डायरेक्ट हमारे पास एड्रेस होता है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, अब ये देखें, डू यू वॉन्ट टू लूज 20 pounds इन 2 weeks. अब यहाँ पे क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट तो नहीं आप कह सकते, ये एक तरीके का क्वेश्चन रेज किया गया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप वेट लूज करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम देर इज नो शेप फॉर अ गर्ल. तो आप ये देखें कि जस्ट फॉर द एडवर्टीजमेंट फॉर अब्रा दे आर यूजिंग दिस एडवर्टीजमेंट, जिसमें इंटरपोलेशन यूज की गई है, और किसको एड्रेस किया गया है, स्पेशली गर्ल्स. So these are some examples of the interpolation, and I have described intertextuality as well. Still, if there will be any kind of question, you can ask. I am summing it up कि interpolation basically हमें एक Althusser ने दिया था. उसने ये कहा कि interpolation एक ऐसा mode of address है जिसमें हम individuals को subject समझते हैं, हम individuals को अपने audience को अपनी तरफ attract करने के लिए उनको direct address करते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर इंटरटेक्चुअलिटी भी आ सकती है, आर्ग्यूमेंट आ सकता है, मोंटाज आ सकता है, नरेटिव आ सकता है, हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, ठीक है. इंटरपोलेशन इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. सो इफ़ यू अगेन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.